दूसरे में जाके बैठ जाता था। कहता था चारों तरफ ज्ञान बढ़ रहा है, जहां से मिले लपेट लो। वो हम सबसे अलग था। हम रोज बाथरूम के लिए लड़ते रहते थे। बाथरूम उसे जहां पानी मिले वहीं नहा लेता था। मॉर्निंग सर। मशीनों से बहुत लगाव था। जेब में स्क्रू ड्राइवर लेकर घूमता था। जो मशीन दिखे उसे खोल देता था। कुछ बंद होती थी कुछ नहीं। My grandpa was an engineer. He also did a lot of things. Joy Lobo. So, excuse me, sir. It's a Joy Lobo. Yes. So, वो convocations के dates अगर पता चल जाते तो क्यों? Actually, dad reservation कराना चाहते थे। अपने गांव से मैं पहला इंजीनियर हूँ सर। सारे relatives convocation पे आना चाहते हैं। In that case, आपके डैड को फोन लगाओ प्लीज। चलो प्लीज प्लीज। अरे अब डोंट वेस्ट माय टाइम। हेलो डैड। मिसेस मैं आ डायरेक्टर साहब आपसे बात करेंगे। जोरे। चलो वो इस साल आपका बेटा ग्रेजुएट नहीं हो गया। क्या हुआ सर? He has violated all the deadlines with unrealistic, Mr. Lobo, unrealistic project hai, humne bataya tha. He's making some nonsense. I see bad teachers at the first look. Aap train ki reservation mat kiye. I'm so sorry. So I'm this close, sir. Is your project ready? Is your project ready? Sir, aap ek dafa dekh to lijiye, sir. Please. Submit कर लो। Not honest, I think. Extension दे। Why? Why should I give an extension? Sir, Dad के stroke के बाद में 2 महीने concentrate नहीं कर पाया सब, please. 2 महीने खाना पीना छोड़ दिया था? नहीं, नहीं. नाना छोड़ दिया था? No. नहीं. तो पढ़ाई क्यों छोड़ दी? Sir, I'm very close. आप एक दफा देख तो लीजिए सब, please. Mr. Lobo. This is a problem really, Rashi also. मंडे मॉर्निंग को वीरू सहस्रबुद्धे ने इसी कॉलेज में लेक्चर दिया था। सो डोंट गिव मी दैट नॉनसेंस। मैं आपको सिंपथी दे सकता हूं, एक्सटेंशन नहीं। आई एम सॉरी। एक्चुअली सैड बिकॉज हिज डोमिनेंट टीचर्स दे रुइन लाइफ्स एक्चुअली। Feeling bad for him. Oh, dreams are in a trash bin. Once again. Very beautiful. Helicopter ke upar wireless camera. It's a little bit country music. Traffic update, security, सबके काम आ सकता है। ये पर वायरस से कह रहा था कि बहुत इम्प्रैक्टिकल डिजाइन है, उड़ेगा ही नहीं। उड़ेगा कैसे नहीं, हम उड़ाएंगे। एक जॉय को मैं बोल दूँ, उसको सरप्राइज देंगे, उसकी खिड़की के बाहर उड़ाएंगे, उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अरे हम उसका प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा कौन करेगा? टेस्ट वाइवा क्विजेस मिला के हर सेमेस्टर में 42 एग्जाम्स है। अरे तू डरता बहुत है यार। ये हाथ ले, अपने दिल पे डाल और बोल all is well, all is well, all is well, all is well, all is well. अभी ये कुछ नया लाए हैं। All is well. I also do like this rhythm. I always say everything is good, everything is good. It helps. जोर जोर से चिल्लाता था। All is well. और हम लोग सुकून से सो जाते। एक रात गांव में चोरी हुई तो पता चला कि साले को रात में कुछ दिखते नहीं है यार। ऐसे चिल्लाता रहता था ऑल इज वेल ऑल इज वेल, और हम लोग बेफिक्र होकर सो भी जाते थे। उस दिन एक बात समझ में आई। इट रियली इट इट हेल्प्स। बड़ा डरपोक है यार, इसको बेवकूफ बना के रखो। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है।
और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, लेकिन उसको झेलने की हिम्मत आ जाती है। She is wise. ये मंत्र याद कर लो, यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है। Very good friend. It really helps, you know. Sometimes when everything is bad, you just like everything will be good. Everything will be good as well. And when everything is really good, what was that? Joy, joy, Bardic! Joy! 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 What? What happened? Wait, no. Seven miles, you said, Jimmy? No way. We know that he will raise up our No. This is a kind. God. What happened to him? गुड न्यूज है सर, ना पुलिस को पता चला ना जॉय के बाप को, सब सोच रहे हैं सुसाइड है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है मौत का कारण इंटेंस प्रेशर ऑन विंड पाइप रिजल्टिंग इन चोकिंग। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गया, और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या, वो तो रिपोर्ट में है ही नहीं सर। This is so sad. ये इंजीनियर्स बड़े चालाक होते हैं। It's happening all over the world. ऐसे कोई मशीनें नहीं हैं। Among students. जो यहाँ का प्रेशर नाप सके। बनाते तो पता चल जाता कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है सर। जॉय के सुइसाइड के लिए तो मुझे दोष दे रहे हो। एक स्टूडेंट प्रेशर नहीं ले पाता तो हम जिम्मेदार कैसे? वैसे लाइफ में कई प्रेशर्स आएंगे तो हमेशा तुम दूसरों में दोष डालोगे। सर मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ सर, सर मैं एक्चुअली सिस्टम को दोष दे रहा हूँ। सर मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं सर, सर सुसाइड्स में इंडिया नंबर 1 है सर। हर 1.5 घंटे कोई ना कोई स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है सर। यहाँ पे स्टूडेंट्स बीमारी से कम और सुसाइड से ज्यादा मरते हैं, कुछ तो गलत हो रहा है ना सर। मैं दूसरे कॉलेजेस के बारे में नहीं बता सकता, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री। 32 साल से मैं ये कॉलेज चला रहा हूँ और 28 पोजीशन से नंबर 1 तक लेके आया हूँ मैं। सर व्हाट नंबर 1 सर, व्हाट नंबर 1 सर? यहाँ पे कोई नए आइडियाज की बात ही नहीं करता सर, इन्वेंशंस की बात ही नहीं करता, बात करते हैं तो सिर्फ मार्क्स की या फिर यूएसए में नौकरी की। सर यहाँ पे ज्ञान नहीं मिल रहा है सर, यहाँ पे सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि मार्क्स कैसे लाए। अब तुम मुझे सिखाओगे कैसे पढ़ाते? This man is so bad. Don't like him. No. He will kick him out of the college or what? Please sit down.
आज हमारे बीच एक ऐसे लीडर है जिनका मानना है कि वो हमारे हाईली क्वालिफाइड टीचर से बेहतर पढ़ा सकते हैं। तो आज प्रोफेसर रणछोड़ दास छाछड़ हमें इंजीनियरिंग सिखाएंगे। That was a very interesting twist in the plot. Actually, I didn't expect at all, like a suicide in a comedy. But so he will teach me. We do not have all day. I believe in you. Mechanical engineering. What is he writing? Fahrenheit. Fahrenheit. I don't know these words. Fahrenheit. What? आपके पास 30 सेकंड हैं। बोर्ड पे लिखे हुए शब्दों का मतलब समझाना है। आप चाहें तो किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसे जवाब मिलेगा वो हाथ ऊपर करेगा। देखते हैं कौन फर्स्ट आता है और कौन लास्ट। योर टाइम स्टार्ट्स। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन नाउ। I don't know, but I'm not an engineer. This man is just like virus. I don't like this virus. Time up. Time up, sir. MC doesn't know. Yeah. क्या? किसी को जवाब नहीं मिला? अब अपनी लाइफ का एक मिनट रिवाइंड करो और सोचो। जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? Anyone? Sir? नहीं, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? Yes, that's true. आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी? नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। और ये कॉलेज है, प्रेशर को करने। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है। लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। हेलो, दिस इज नॉट अ फिलोसफी क्लास। उन दो वर्ड का मतलब बताओ। नोबडी लाइक्स दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। सर ऐसे कोई वर्ड्स नहीं सर। बाय मायसेल्फ। ये तो मेरे दोस्तों के नाम है, फरहान और राजू। That was another good trick of him. Good. He's very intelligent. Nonsense. कैसे पढ़ाओगे इंजीनियरिंग? नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था सर। वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे। और मुझे यकीन है कि आप एक दिन जरूर सीखेंगे सर, क्योंकि मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता। बस।
खेत के साथ मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि आपका बेटा फरहान राजू गलत संगत में है। सही कदम नहीं उठाए गए तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। वायरस के लेटर्स हमारे घर में एटम बॉम्ब की तरह गिरे। हिरोशिमा और नागासाकी में मातम छा गया और हमें दोनों घरों में जूते खाने के लिए इनवाइट किया गया। आइए अंदर, आइए आइए आइए, उधर देखिए। एक ही एयर कंडीशनर अफोर्ड कर सकते थे हम, और वो हमने अपने नहीं ताकि वो सुकून से पढ़ सके। कार नहीं खरीदी मैंने, आज तक स्कूटर चलाता हूं। सारा पैसा हमने फरहान की पढ़ाई में लगा दिया। अपना फ्यूचर हमने फरहान के फ्यूचर के लिए कुर्बान कर दिया, समझे कि नहीं आप? और उसके बाद जब मुझे ऐसा खत आया प्रिंसिपल साहब से, तो क्या आप फोटोग्राफी का भूत सवार था जना आपके सर पे, जानवरों की तस्वीरें लिए फिरते थे। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है बेटे। उस साल तुम्हारी परसेंटेज कितनी थी? नाउ ही इज एन इंजीनियर। 91% सुना आपने? 94% से सीधा 91%। कम ऑन, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ पीपल। नहीं नहीं अंकल, सॉरी, एक्चुअली व्हिच व्हाट वांट ऑन कमाल की। इसको आप इंजीनियर क्यों बना रहे हैं? इसको तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहिए। सुनिए, बहुत आगे बढ़ेगा। हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। बच्चों खाना लग गया, आ जाओ। हाँ चल खाते। अगली बार आओगे तो खाना जरूर खा के जाना। अब्बा ने तो खाना दिया नहीं। अब हम अपना भूखा पेट भरने और डांट का कोटा पूरा करने राजू के घर पहुंचे।